अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के करंट स्टेटिक्स जीके की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं दोस्तों। तो आपको पता है कितने कुल देश 13 है दोस्तों। कितने देश हैं? 13 देश। कितने देश हैं दोस्तों? 13 देश। और 13 देशों के अंदर 11 जो देश ऐसे हैं जो तटीय हैं, जबकि 2 देश कैसे हैं दोस्तों? स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो वोल्विया है, और एक कौन सा है दोस्तों? एक और कौन सा है दोस्तों? प्राग। कौन सा है? प्राग। आपको अगर पूछे तटीय देश कितने हैं दोस्तों, तो तटीय देशों की बात करें तो 11 तटीय देश हैं, और जिसमें से कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो वेंजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, चिल्ली है, अर्जेंटीना है दोस्तों, और प्रागवे है, और कौन सा है? सुरीनाम, अर्जेंटीना, और ब्राज़ील है, फ्रेंच गुआना है दोस्तों, और एक गुआना देश है दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से क्या रखना है? याद भी रखना है दोस्तों। तो हम अगर बात करें किसकी दोस्तों? स्थल अवरुद्ध देशों की। स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं दोस्तों? तो स्थल अवरुद्ध जो देश है वोल्विया और प्रागवे, तो ये एक देश है दोस्तों, ये देश है जिसका नाम क्या है दोस्तों? वोल्विया। कौन सा देश है? वोल्विया देश है। ये देश वोल्विया है दोस्तों, और ये जस्ट इसके पीछे देश जो लगा हुआ है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है प्रागवे। ये दो ही देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध देश है, और बाकी जितने भी हैं वो क्या है? तटीय देश है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से तटीय देश कौन कौन से हो गए दोस्तों? ये एक देश है जिसका नाम वेंजुएला हो गया, और ये देश है जिसका नाम क्या है दोस्तों? गुयाना। कौन सा देश है? गुयाना देश है, गुयाना। और इसके बाद में क्या आता है दोस्तों? सुरीनाम आता है, उसके नाम फ्रेंच गुयाना आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? ब्राज़ील, और ये क्या है? उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना है दोस्तों, और ये चिली देश है, और ये कौन सा? पेरू, और ये इक्वाडोर है दोस्तों, ये कोलंबिया है, समझ में आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर जो देश है वो क्या है? मध्य अमेरिका का भाग है जिसका नाम है पनामा देश। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप, छोटा सा द्वीप है दोस्तों, फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो अमेरिका के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने देश हैं? 13 देश, जिसमें से तटीय देश 11 हैं, जबकि स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं दोस्तों? 2। याद रखने हैं वोल्विया और प्रागवे, और 11 तटीय देश कौन कौन से हैं? वेंजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू चिली और उरुग्वे। ठीक है दोस्तों, और कौन से दोस्तों? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, सुरीनामा, गुयाना या फ्रेंच गुयाना, ये 11 देश है कौन से दोस्तों? ब्राज़ील के तटीय सीमा बनाने वाले देश हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना के बारे में बात, सॉरी इसके दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दो इक्वाडोर और चिली, दो ही देश ऐसे हैं दोस्तों, इक्वाडोर और चिली, जो किसके साथ सीमा नहीं बनाते? ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते। देखो दोस्तों, ये कौन सा देश है? ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। और ये जो देश है दोस्तों, इक्वाडोर, यहाँ पर इक्वाडोर। ठीक है, और बात कर लेते हैं, ये पेरू चिली का है दोस्तों, बात ये देश कौन सा है दोस्तों? चिली। अब आप देख रहे हो तो ये दोनों देश किसके साथ सीमा नहीं बना रहे? ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बना रहे। किसके साथ है? ब्राज़ील के साथ, क्योंकि ब्राज़ील के साथ इनने थे इसके इसने इन दो राज्यों को छोड़कर और सभी जो स्टेट्स हैं दोस्तों, राष्ट्र है, वो सभी किसके साथ सीमा बनाते? ब्राज़ील के साथ, जिसमें कोलंबिया हो गया, वेंजुएला हो गया, और गुयाना हो गया, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना हो गया, वोल्विया हो गया, प्रागवे हो गया, अर्जेंटीना हो गया दोस्तों, और एक उरुग्वे हो गया। ये सभी किसके साथ सीमा बनाते हैं? ब्राज़ील के साथ। तो अब एक बात आपको और याद रखनी है दोस्तों, कि ब्राज़ील एकमात्र विश्व का ऐसा देश है दोस्तों, जहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अब इसकी बात करें तो ये कौन सी है दोस्तों? जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, और इसका नाम है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है?
मकर जो रेखा है किन किन देशों से गुजरती है? तो याद रखना दोस्तों, एक देश तो कौन सा, इसके अंदर चिली, कौन सा देश है दोस्तों, चिली है, और एक देश है जिसका नाम है दोस्तों अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। एक देश है जिसका नाम है प्रागवे। प्रागवे दोस्तों। और एक देश कौन सा है? ब्राजील। और अगर बात करें भूमध्य यानी 0 डिग्री रेखा की, तो यहाँ से कौन कौन सी रेखा किस किस जिला से गुजरती है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, इक्वाडोर। एक तो कौन सा है दोस्तों? इक्वाडोर। एक कौन सा है दोस्तों? कोलंबिया। कोलंबिया। एक कौन सा? ब्राजील। ये जो 3 देश हैं दोस्तों, ये इनसे कौन सी रेखा गुजरती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये प्रागवे है दोस्तों, प्रागवे से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये गुजरती है दोस्तों भूमध्य रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर एक अंतरिम द्वीप, एक हॉर्न अंतरिम है यहाँ पर दोस्तों। हॉर्न अंतरिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक सींग की तरह, यहाँ पर ये सींग की तरह हॉर्न अंतरिम है दोस्तों, इसे कहा जाता है पिटेरा डिल फ्यूगो। हॉर्न अंतरिम, अंतरिम या अंतरिप, तो इसे किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हॉर्न अंतरिप किसे कहा जाता है? तो पिटेरा डेल फ्यूगो है, जो अर्जेंटीना महाद्वीप के अंदर अर्जेंटीना देश के अंदर अवस्थित है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ब्राजील के प्रमुख पर्वतमाला की। ब्राजील के अंदर एक पर्वतमाला है दोस्तों, जिसका नाम क्या है याद रखना है आपको, जिसका नाम है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करें दोस्तों, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, ये जो पर्वतमाला है, ये विश्व की क्या सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 7200 किलोमीटर। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? माउंट कोटोपैक्सी, ये रहा दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी है, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है, इक्वाडोर के अंदर स्थित है दोस्तों। अब एक दूसरा है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये तो कौन सा दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जो चिम्बुराजो, माउंट चिम्बुराजो, ये भी कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर। तो ये रहा दोस्तों जिसका नाम है माउंट चिम्बुराजो। क्या नाम है दोस्तों? माउंट चिम्बुराजो दोस्तों। इसका नाम माउंट कोटोपैक्सी है, इसका नाम माउंट चिम्बुराजो है। अब बात कर लेते हैं एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एक चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है ये है दोस्तों, जिसका नाम है एकांगुआ। ये जो चोटी है दोस्तों, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एकांगुआ। एक सक्रिय ज्वालामुखी है अर्जेंटीना के अंदर, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना में सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ये इसका नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना और अर्जेंटीना में स्थित है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इससे संबंधित भी आपको याद रखना है। तो जो उत्तर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी पर्वतमालाओं की पर्वतमाला है, या जितने भी पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत है, उनकी हमने आज बात की। अगर ये आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।